एंट्री तो नहीं किया हूँ, लेकिन मैं जब यहाँ से जा रहा था तो मुझे एक अमेजिंग चीज देखने को मिला और भगवान का दर्शन हुआ है। मैं इतना धूल धड़कन उड़ रहा है, पूछो मत। बाप रे बाप, इतना जोर हवा चल रहा है। जय मिथिला, जय मैथिली दोस्तों, स्वागत है फिर से एक एडवेंचर ब्लॉग में और हम छी यहाँ सबके दोस्त ऑल इंडिया बाइसाइकिल राइडर साकेत। तो दोस्तों मैं रुका हूँ अभी एक, आप मेरे पीछे देख सकते हैं पेट्रोल पंप है, ये रिलायंस कंपनी का है। ये दूसरा वाला है जो मैं कल दिखाया था, वो नहीं है। और ये है गोलनथरा जगह और ये उड़ीसा में ही पड़ता है। और मैं कल आप लोगों को बताया था कि मैं जा रहा हूँ आंध्र प्रदेश में, इंट्री कर जाऊँगा, लेकिन मैं क्यों नहीं कर पाया वो मैं बता देता हूँ आप लोगों से। क्योंकि भाई साहब ये जो पीछे आप लोग पेट्रोल पंप देख रहे हैं, इसके पीछे ही एक ढाबा है, तो वहाँ पर मैं खा के सो गया। और सोया तो भाई साहब लगभग लगभग 6 बजे के आसपास नींद मेरा खुला, और तो देखा मैं यहाँ पर एक पेट्रोल पंप है, तो यहीं पर पेट्रोल पंप पे आ गया मैं। और यहाँ का जो ओनर था, भाई साहब ओनर या मैनेजर जो भी कहिए, वो मुझे अच्छा अच्छा खाना भी खिलाया और खाना खिला के मैं फिर सो गया। तो इसी कारण मैं नहीं जा पाया कल आंध्र प्रदेश में, इंट्री नहीं कर पाया। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि मैं कल आंध्र प्रदेश में इंट्री क्यों नहीं कर पाया। तो लेकिन आज भाई साहब मैं आंध्र प्रदेश में इंट्री ज़रूर कर जाऊंगा और निकलूंगा विशाखापट्टनम साइड के लिए। तो चलिए आप लोगों को मिलते हैं रोड पे। और मैं अपना साइकिल यानी अपनी बिल्लो को तैयार कर चुका हूँ। तो ये देखिए मैं अपना साइकिल तैयार कर चुका हूँ और बैग भी कल आप लोगों को बताया था कल का वीडियो में कि बैग मेरा ठीक हो चुका है। और यहाँ पर अपना पानी उनी भर लिया हूँ और इस साइड देखो कितना गाड़ी लगा हुआ है। और आज भी भाई साहब स्ट्राइक है, ये स्ट्राइक के वजह से ही मैं एक तरह से समझिए कि नहीं जा पाया आंध्र प्रदेश में। तो लेकिन आज मैं निकल जाऊँगा। तो चलिए आप लोगों को रोड पे मिलते हैं और मैं यहाँ का नज़ारा दिखाता हूँ चारों साइड का कैसा नज़ारा है। तो ये देखो इधर से ट्रक लगता है और इधर एकदम जस्ट पहाड़ है पूरे, और इधर थोड़ा पहाड़ नहीं है। फिर इधर देखो ये जो आप लोग मेरे उंगली सी के देख रहे हो, ये कैमरा में भले ही छोटा दिख रहा है लेकिन यहाँ से इतना मस्त नज़ारा दिख रहा है ना, पूछो मत। तो चलिए मैं आप लोगों को रोड पे फाइनली मिलता हूँ। तो ये देखो इसी पेट्रोल पंप पर मैं रुका था, क्या लोकेशन है जब मैं इस साइड आया हूँ। तो देख रहे हो पहाड़ के एकदम नीचे है और यहाँ पर भी एक वो ट्रेन का पटरी गुजरता है। ये इतना बिजी रोड है पूछो मत। और यही पेट्रोल पंप पर मैं रुका था, ये रिलायंस का है और रिलायंस का जियो कंपनी का ही है एक तरह से। और ये देखो अभी भी इधर ये चलता है, देखो। और ट्रक सब अब धीरे धीरे जा रहा है, पता नहीं जाम समाप्त हुआ है या नहीं, नहीं कह सकते। और मैं वो ढाबा भी दिखाता हूँ जहाँ पे मैं खा के सो गया था भाई, आराम करने के लिए सोया थोड़ा देर के लिए, मेरा आँख लग गया ना उसी के चक्कर में, पूरा दिन ही सो गया मैं, पता भी नहीं चला। और गर्मी का टाइम था और आज हवा अभी थोड़ा दूर मतलब थोड़ा कम स्पीड से चल रहा है हवा भी, तो अभी तुरंत खींच दूँगा मैं। ये जो देख रहे हो इतना सारा ट्रक, ये ढाबा है भाई, यही ढाबा पर मैं सोया था और यहीं पर खाना खाया था। ये ढाबे वाले भैया पैसा भी नहीं लिया था मुझसे। मैं दिखाता हूँ ये जो ढाबा देख रहे हो, इसी ढाबा पे मैं कल खाया था और पूरा अभी भी लगता है जाम लगा हुआ है। और सामने एक मस्त सा पहाड़ दिख रहा है इधर भी और इधर भी, और ये सब साइड घाटी है भाई साहब। इधर से पहाड़ी एरिया चालू हो जाता है और इधर थोड़ा ही दूर पर समुद्र भी है। और जगह आया है कोई भाली गरा नाम का, भाली गंडा नाम का जगह, ये देखो। और चेन्नई यहाँ से 1075 किलोमीटर है, ये मैं इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उड़िया में थोड़ा समझने लगा हूँ। तो चेन्नई था 1075 किलोमीटर। और यहाँ पर देखो एक छोटा सा लेक है या तालाब जो भी बोलो, और वहीं पर पहाड़ है, देख रहे हो आप लोग। ये देखो भारतीय महिला,
यहाँ तक ट्रक का लाइन लगा है, सब इधर ही लगा के छोड़ दिया है ट्रक स्ट्राइक के वजह से। और यहाँ पर भी एक पेट्रोल पंप है, इस रास्ता में पेट्रोल पंप बहुत मिलेगा भाई, NH-16 पे, NH-30 पे। ये भाई साहब, मैं जिस रोड पे अभी चल रहा हूँ ना, ये देखो अभी तक ट्रक व्रक यहीं पे लगा हुआ है स्ट्राइक के वजह से। तो मैं बोल रहा था कि मैं जिस रोड पे अभी चल रहा हूँ ये है NH-16 ही, और ये जो देख रहे हो रोड के इस साइड यानी बायां साइड, ये ओडिशा में चलाता है। रोड के थोड़ा दाहिना साइड 100 मीटर के उधर बाद है आंध्र प्रदेश का बॉर्डर, और जब ये सीधा जाएंगे तो क्या कहते हैं ये आंध्रा और ओडिशा का बॉर्डर आ जाएगा। और इधर भाई साहब थोड़ा थोड़ा अगर आप लोगों को उजला उजला टाइप से दिख रहा होगा तो उधर है इच्छापुरम, इच्छापुरम नाम का कोई शहर है भाई, एकदम पहाड़ के गोद में बसा हुआ है, यहाँ से जो ऊंचा है। सो मैं दिख रहा हूँ तो आप लोगों को बोला बता दूँ। और देखो ये रहा, मैं इधर से ही अभी जा रहा हूँ, लगभग लगभग मैप में तो दिखा रहा है 1.5 किलोमीटर बाद है बॉर्डर, उसके बाद प्रॉपर आंध्र प्रदेश चालू हो जाएगा। तो ओडिशा को बाय बाय करने का टाइम आ चुका है, ओडिशा में भी मिला जुला ही ठीक ठाक मेरा सफ़र रहा, उतना कोई दिक्कत उक्कत नहीं हुआ, अगर एक दो जगह छोड़ दिया जाए तो। और यहाँ से क्या है, जादूपुरी, ये यार इधर साउथ का नाम भी ना ऐसा लिखता रहता है ना, कुछ समझ में जल्दी आता नहीं रहता है जब तक इंग्लिश में ना लिखा हो। ये साउथ वाले सब इधर लुंगी पहन के उठा के एकदम तुरंत अरे भीड़ जा रहे करने लगता है। इधर मैं अभी एक पीछे झगड़ा हो रहा था, मैं देखा इतना मस्त हो रहा था पूछे मत। और ये देखो क्या शानदार रोड दिख रहा है नज़ारा, उधर आप लोगों को पहाड़ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है कैमरा में नहीं पता हमको। और ये देखो मेरे साइड ताके की कोई ना कोई, ये उसके साथ साथ बगुला भी अपना काम में लगा हुआ है। ये देखो एक और बगुला आया, बगुला वको ध्यानम। तो भाई साहब जब मैं यहाँ से जा रहा हूँ, अभी आंध्र प्रदेश में एंट्री कर चुका हूँ, फिर थोड़ा ही दूर बाद ओडिशा का बॉर्डर आ जाएगा। मतलब अभी ऐसे ऐसे वाला जो चल रहा है ना, तो थोड़ा दूर ओडिशा है तो थोड़ा दूर में आंध्र प्रदेश का एरिया आता है अभी, लेकिन प्योर जो एक तरह से समझिए कि आंध्र प्रदेश में, मतलब कि एकदम सही तरीका से अभी तक मैं आंध्र प्रदेश में एंट्री तो नहीं किया हूँ, लेकिन मैं जब यहाँ से जा रहा था तो मुझे एक अमेजिंग चीज़ देखने को मिला और भगवान का दर्शन हुआ है, मैं दिखाता हूँ आप लोगों को भी। तो ये देखिए वो है अमेजिंग चीज़, ये इस पहाड़ पर है, मैं दिखाता हूँ आप लोगों को, ठहरिए थोड़ा। तो ये देखो भाई अपना महादेव और पार्वती जी और नंदी जी बैठा हुआ है कहाँ पे, ये देख रहे हो पहाड़ के एकदम ऊपर में एकदम। ये देखो ठीक से नहीं आ रहा है मेरा कैमरा, अच्छा नहीं है। और यहाँ पर भी एक मंदिर है, किधर गया ये, हाँ यहीं पर कहीं पर मंदिर है, ये कैमरा में ठीक से मेरे आ नहीं रहा है, इस साइड देख सकते हो आप लोग एक मंदिर है। और इसे कटाई कर रहा है, इस पहाड़ को पता नहीं क्यों कटाई कर रहा है। और ये रोड जा रहा है और मैं जा रहा हूँ एकदम, ये मज़ा आता है ये देखकर, ये जो रोड के साइड साइड जो वृक्ष लगा देता है ना, बड़ी मज़ा आता है। लेकिन बस इसको पशु पक्षी जानवर सब नुकसान ना करें तो अच्छा लगता रहता है, लेकिन नुकसान तो कर ये देता है क्योंकि ये खुला में रहता है ना, इसीलिए। भाई मैं रुका हूँ एक पेट्रोल पंप पे, ये आप लोग पेट्रोल पंप देख सकते हो, यहीं पर मैं रुका हूँ, थोड़ा सोचा आराम कर लूँ क्योंकि गर्मी से भाई साहब बहुत परेशान हो चुके हैं हम। बाबा यहीं पर मैं ठहरता हूँ थोड़ा देर, उसके बाद मैं चलूँगा।
ये देखो इतना धूल धड़कन उड़ रहा है, पूछो मत। ये बाप रे बाप, इतना जोर हवा चल रहा है। ये देखो हवा, इधर देखो, इधर ये देखो अपना रेडियम चमक रहा है। ये और यहाँ पर ये जो देख रहे हो मेरे उंगली से के, ये इतना ढनढना रहा है तब से, हवा जो चल रहा है पूछो मत।